हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आया हूं और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हर तरह का कार्टून एनिमेशन बना पाओगे, सीख जाओगे। आज मैं पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको जानने और देखने के बाद आप लोग हर तरह का कार्टून एनिमेशन, जितना सारा आप लोग यूट्यूब पर एक्शन कार्टून एनिमेशन देखते हो वो सारा एनिमेशन आप लोग पाँच एप्लीकेशन से बना सकते हो। लाइक जोम्बी, हिंदी मोरल स्टोरी, स्पाइडर मैन, सुपर निंजा, ऐसे बहुत सारे कार्टून आप लोग क्रिएट कर सकते हो इन पांचों ऐप से जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना बिना स्किप करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपका YouTube पर एक चैनल है और आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कार्टून एनिमेशन बनाना सीख जाते हो और आपको बनाना आ जाता है तो आप लोग YouTube चैनल से कार्टून अपलोड करके उस पर आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट नंबर पर जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है ड्रॉइंग कार्टून 2। इसमें आप खुद से कार्टून को ड्रॉ करके करेक्टर को एनिमेट कर सकते हो, खुद से 3D में किसी भी करेक्टर को ड्रॉ करके आप लोग कार्टून को बना सकते हो। अगर आपको ड्राइंग बनाने आता है तो आप लोग 3D में कैसा भी आपको करेक्टर अगर बनाना आता हो तो उसको बना करके आप लोग उस करेक्टर को एनिमेट कर सकते हो और उसमें खुद का एनिमेशन लगा सकते हो। बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन ये है और आप लोग इसमें हर तरह का कार्टून, एक्शन कार्टून इसमें क्रिएट कर सकते हो 3D में। और जो दूसरा नंबर पर हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है पोज मैक्स। इसमें भी आप लोग 3D कार्टून क्रिएट कर सकते हो, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप करेक्टर चूज करो, उसमें एनिमेशन लगा और ग्रीन स्क्रीन पीछे बैकग्राउंड में लगा करके आप लोग काइन मास्टर से जाकर एडिट कर सकते हो क्रोमा की के माध्यम से, और उसमें कट करके उस पर वॉइस ओवर अलग से आप लोग काइन मास्टर में जाकर के कर सकते हो वहां पे, और बहुत ही आसानी से आप लोग पोज मैक्स से कार्टून को क्रिएट कर सकते हो। और जो हमारा थर्ड नंबर पर जो एप्लीकेशन है वह है ट्विन क्राफ्ट। अगर आप लोग नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है कार्टून के बारे में, कुछ भी कार्टून क्रिएट नहीं करना आता है, एनिमेशन कोई भी एनिमेशन आपको नहीं बनाना आता है, तो ये इसमें आप लोग ट्विन क्राफ्ट एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से आप लोग कार्टून को बना सकते हो पहले दिन से ही। इस एप्लीकेशन में ही सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वॉइस ओवर, उसमें करेक्टर, सारा कुछ, मतलब इसमें कार्टून पूरा के पूरा तैयार हो जाता है इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन ऐप है। अगर आप नए हो, आपको कार्टून के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोग पहले दिन से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कार्टून बनाना सीख जाओगे। और जो चौथा एप्लीकेशन है वो है MJOC2। जैसा मैकजोक आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, मैकजोक ऑफ जैसा उन लोग कार्टून बनाते हैं वैसा ही, सेम टू सेम वैसा ही करेक्टर आपको MJOC2 में मिलेगा और आप 3D में मैकजोक जैसा कार्टून इससे क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करना और अच्छे से चलाना सीख जाओगे तो आप लोग मैकजोक से भी अच्छा कार्टून बना सकते हो, सिर्फ फनी कहानी उसमें ऐड करके, लिख करके। और जो पांचवा नंबर पर एप्लीकेशन है लास्ट, वो है क्रोमा टून्स। इसमें भी आप लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से कार्टून को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हिंदी मोरल स्टोरी जो यूट्यूब पर कार्टून बहुत सारा जो आता है हिंदी में कार्टून, वैसा ही कार्टून आप लोग क्रोमा टून से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो बहुत ही आसानी से। उसमें बहुत सारा आप लोगों को करेक्टर ऑप्शन मिल जाएगा करेक्टर चूज करने के लिए, चुड़ैल और किसान, बहुत सारा चिड़िया जानवर वाला हर तरह का कार्टून उसमें करेक्टर मिल जाएगा आपको, और काइन मास्टर में जाकर के इसको एडिट करके वहीं से आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हो, वहां से म्यूजिक ऐड कर सकते हो इस पर, और क्रिएट करके आप लोग अपना यूट्यूब चैनल पर डाल करके आप यूट्यूब से बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो ऐसा कार्टून एनिमेशन बना करके। ये जितना सारा आप लोगों को मैंने ऐप का नाम बताया, अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए एक एक ऐप पर तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किस एप्लीकेशन पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। ट्विन क्राफ्ट और क्रोमा टून्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे इसमें कार्टून बनाया जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इस पर वॉइस ओवर किया जाता है, सारा कुछ जानकारी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है अपने YouTube चैनल पर, जाकर के देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर के देख सकते हो उस वीडियो को। सो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।